हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग नोकिया कीपैड मोबाइल को साइलेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी नोकिया के कीपैड हो, सबके लिए एक ही सेटिंग है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक खोल लेना होगा। जैसे ही आप लॉक खोलेंगे, उसके बाद आपको मेनू में जाना होगा और मेनू में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आपको एक प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों, यहां पर आपको डुअल सिम सेटिंग, टोन सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, प्रोफाइल, और यहां पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जर्नल का ऑप्शन है और उसके नीचे साइलेंट का है। जैसे ही साइलेंट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आपको एक्टिवेट, पर्सनलाइज और टाइम्ड लिखा हुआ है। आपको जैसे ही एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका साइलेंट मोड एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए एक दूसरी बेसिक ट्रिक है, आपको सिर्फ हैज पर सिंपली प्रेस करे रहना है और ये ऑटोमेटिक आपका जर्नल हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको अगेन प्रेस करते रहेंगे, और यहाँ पर आपका ये देखिए साइलेंट मोड जो है एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों, ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं साइलेंट का सिंबल है। जैसे ही हम हैज को दबाए रहेंगे तो ये जो है सिंबल हट गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी मोबाइल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।